नमस्कार, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे राइनोप्लास्टी या नोज जॉब के बारे में। क्या आप अक्सर आपकी नाक आईने में देखते हैं और सोचते हैं क्या ये नोज जॉब सर्जरी मेरे लिए है? तो आज हम इसी सवाल का जवाब इस वीडियो में देखेंगे। नोज जॉब या राइनोप्लास्टी सर्जरी ये दो रीजंस की वजह से किया जाता है। एक है फंक्शनल राइनोप्लास्टी और दूसरी है कॉस्मेटिक राइनोप्लास्टी। फंक्शनल राइनोप्लास्टी क्या होती है? अगर आपकी नाक में किसी तरह की दिक्कत है जिससे आपको सांस लेने में परेशानी होती है या आपको बार बार साइनस जैसे इन्फेक्शन होते हैं, तो अक्सर ये देखा गया है कि उन लोगों को जो उनकी नेजल सेप्टम या जो नाक की बीच वाली हड्डी होती है वो अपनी नॉर्मल जगह से एक तरफ को टर्न हो जाती है, जिसे साइंटिफिक लैंग्वेज में डेविएटेड नेजल सेप्टम कहा जाता है या DNS कहा जाता है। इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए जो सर्जरी की जाती है उसे हम सेप्टोप्लास्टी कहते हैं। ये सर्जरी आपकी सांस लेने की प्रॉब्लम को ठीक कर सकती है और इसके साथ साथ आपके नाक को अधिक सुंदर भी बना सकती है। जो दूसरी तरह की नोज जॉब सर्जरी है जिसे हम कॉस्मेटिक राइनोप्लास्टी कहते हैं, इसमें हम सिर्फ नाक की बाहरी हिस्से को ठीक करते हैं और आपका नाक का अपीयरेंस पहले से अधिक बेहतर बनाते हैं। तो आइए देखते हैं किन किन लोगों को राइनोप्लास्टी या नोज जॉब कराना जरूरी है। इनमें कुछ ऐसे लोग हैं जिनको जन्म से ही नाक में टेढ़ापन या किसी तरह की डिफॉर्मिटी होती है, जैसे कि क्लेफ्ट लिप प्रॉब्लम वाले बच्चे। जब ये बच्चे बड़े होते हैं तो अक्सर उनकी एक तरह की नाक काफ़ी छोटी या टेढ़ी होती है। इस प्रॉब्लम के लिए या बॉट डिफेक्ट के लिए राइनोप्लास्टी ये सर्जरी की जाती है। दूसरी चीज़ है आपकी नाक का अपीयरेंस अधिक बेहतर बनाना। अगर आप नाक के ब्रिज को देखते हैं तो अगर ये किसी तरह से अंदर दबा हुआ है या उसका हिस्सा बाहर की तरफ आता है, जो आपको देखने में बहुत अपीलिंग नहीं लगता है, या कभी कभार आपकी नाक का टिप काफ़ी मोटा या जिसकी वजह से आपकी नाक को काफ़ी ब्रॉड अपीयरेंस मिलता है, अगर वो आप पसंद नहीं करते हैं तो इन्हें सर्जरी से ठीक किया जा सकता है। कुछ लोगों के नाक के ब्रिज वाले हिस्से में काफ़ी बम्प या एलिवेशन होते हैं, जिनको हम डॉर्सल हम्प भी कहते हैं, वो भी सर्जरी से ठीक किए जा सकते हैं। कुछ लोगों के नॉस्ट्रिल यानी नाक के नीचे वाले हिस्सा ये काफ़ी बड़ा या उनके नाक के प्रोपोर्शन में छोटा होता है, उसे भी सर्जरी से ठीक किया जा सकता है। अगर आपका लगता है कि आपका ओवरऑल नाक का शेप ये आपके फेस से प्रोपोर्शनेट मैचिंग नहीं है, वो काफ़ी एक्सेसिवली बड़ा या छोटा है, उन कंडीशन में भी नाक का साइज कुछ हद तक मॉडिफाई किया जा सकता है। जो नेक्स्ट प्रॉब्लम जिसके लिए राइनोप्लास्टी या नोज जॉब किया जाता है वो है फंक्शनल राइनोप्लास्टी या डेविएटेड नेजल सेप्टम। इन लोगों को अक्सर सांस लेने में दिक्कत होती है और ये देखा गया है कि सर्जरी के बाद उनकी नाक खुल जाती है और उनकी सांस की दिक्कत हमेशा के लिए ठीक हो जाती है। अगर आपको कोई एक्सीडेंट या चोट की वजह से आपकी नाक की हड्डी टूट गई है तो वो भी राइनोप्लास्टी सर्जरी से ठीक की जा सकती है। इसी तरह कुछ लोगों में अगर कोई बीमारी जैसे बर्न्स, एक्सीडेंट, कैंसर या कोई और तरह का इलाज, इनकी वजह से अगर नाक के स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम आई है तो वो भी राइनोप्लास्टी सर्जरी से ठीक की जा सकती है। तो अभी हमने देखा कि इन शॉर्ट राइनोप्लास्टी बर्थ डिफेक्ट के लिए किया जा सकता है, आपके कॉस्मेटिक या ब्यूटिफिकेशन के लिए किया जा सकता है, आपकी बंद नाक की ब्लॉकेज दूर करने के लिए किया जा सकता है, किसी तरह के फ्रैक्चर या चोट को ठीक करने के लिए किया जा सकता है, और किसी बीमारी की वजह से अगर आपकी नाक डिफॉर्म हो गई है तो उसके भी रिपेयर करने के लिए किया जा सकता है। अब देखते हैं कि कौन लोग राइनोप्लास्टी सर्जरी करा सकते हैं।
जिनकी फिजिकल ग्रोथ कंप्लीट हो गई है, इसका मतलब कि जो 16 या 18 साल के ऊपर है, वो लोग राइनोप्लास्टी करा सकते हैं। राइनोप्लास्टी हमेशा तभी करानी चाहिए जब आप अपनी नाक के प्रॉब्लम के बारे में आपके आइडिया क्लियर हो और आप क्या ठीक कराना चाहते हो ये जानते हैं और सर्जरी से आपकी रीजनेबल एक्सपेक्टेशन है। हमेशा राइनोप्लास्टी तभी कराएं जब आप इस सर्जरी के बारे में कन्विंस हो और ना कि अपने फ्रेंड्स या फैमिली के दबाव में आके आपने ये सर्जरी करानी चाहिए। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू।